देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहर। एक नाराजगी ऐसी भी, जी हां, हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां व्यक्ति ने सुजुकी स्कूटी कंपनी से नाराज होकर अपनी दुकान के आगे छत पर स्कूटी टांग दी और अपनी दुकान पर एक फ्लेक्स बैनर लगाया जिस पर लिखा हुआ है कि सुनील कुमार एंड सन्स सुजुकी स्कूटी लेने वाले हो जाएं सावधान। दरअसल उनका गुस्सा है कि उन्होंने कंपनी से स्कूटी खरीदी और जब स्कूटी में दिक्कत होने लगी तो वो कंपनी में सही कराने के लिए गए। कंपनी वालों ने उन्हें भगा दिया और कहा कि स्कूटी आपने ली है, अब कोई भी आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी। अगर स्कूटी में कोई दिक्कत आती है तो उसका अलग से चार्ज देना होगा, यानी कि जो वारंटी दी गई थी उससे स्कूटी मालिक कंपनी नकार गई। गुस्साए इस व्यापारी ने हमारे संवाददाता राशिद खान से क्या कहा, देखे इस खास खबर में। अक्सर शहर में नए नए कारनामे देखने को मिलते रहते हैं। आज हम एक ऐसे कारनामे से रूबरू कराएंगे आपको जो एक अलग ही एक कारनामा है। हाँ, आपको बता दें उस कारनामे के बारे में, एक स्कूटी के, एक सुजुकी स्कूटी के एक ऑनर ने अपनी स्कूटी को घर के ऊपर टांग रखा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस स्कूटी को दिखाएँ, वो स्कूटी जो टंगी हुई है उसको एक बार दिखाएँ। देखिए इस स्कूटी को बदला दूँ, आखिर ऐसा स्कूटी पर क्या लिखा हुआ है, स्कूटी को लिखा हुआ है सावधान सावधान। यदि आप स्कूटी जा रहे हैं तो मैंने सर, यदि आप अपने लिए कोई भी वाहन लाए हो तो किसी ने लाए हो कि आपके काम आए भाई, यदि आपने शादी निबट जाती है तो खाली टोकरों का आप क्या करते हो, मैं डांट पर रख दो ना तो भाई साहब, जब ये मेरे काम की ना तो मैं क्या करूँ, मैंने तो छाटे काम की क्यों नहीं है भाई साहब। नई वाहन इसलिए लिया जाता है कि मुझे कोई परेशानी ना हो, लेकिन ये जिस दिन से मैंने खरीदी है इसने परेशान करने के सिवाय कुछ ना करा। इसमें कितनी परेशानी है ये तो गिनती में भी ना बताई जा सके, वो तो उनके पास जो सर्विस कार्ड है उसमें मैं लिखवा के आया हूँ, यदि चेक करोगे उसमें पता पड़ जाएगा इसका सेल्फ काम नहीं करता। पर सबसे बढ़िया कमी का खूबी तो ये है कि ऐसा चलाने ना पड़ती है, 25-30 की स्पीड को तो अपना आप चलेगा स्टार्ट होने के बाद। अच्छा, तो इस बारे में आपने कंपनी को ऑफर कराया भाई साहब? एजेंसी तो 15 बार जा चुकी है वर्कशॉप में और 3 बार जो इनका कस्टमर केयर नंबर होता है 16 तारीख को, 19 तारीख को और 23 दिसंबर 3 बार कंप्लेंट करी है। हर बार यूँ कहते हैं भाई साहब बहुत तेज़ी से प्रोसेस चल रहा है, 3 दिन में काम हो जाएगा। भाई साहब मैं तो थक गया, मैंने आखिर में मैंने कबाव दिया। अच्छा, आखिर में आपने कंपनी वाले कोई सुनवाई नहीं करी भाई? यदि मेरी सुनवाई कंपनी वाले ना करेंगे तो जनता तो है सुनवाई करने के लिए, मीडिया इसलिए है, सोशल मीडिया आप लोगों को, आप तो कम से कम इंसाफ कराओगे। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, यदि वहाँ को सीधा बंदा चला जाना, हम जैसा बनने लाला तो उसको तो मारना ऐसा हाल करेंगे कि जो कह रहे हैं अब 300-400 रुपये बच रहे हैं, हमने क्या पूरी जिंदगी का ठेका ले लिया होगा, कोई सुनवाई नहीं, बड़ा बदतमीजी से बोल रहे हैं। ऐसा कौन कहता है भाई साहब? जो नीचे वर्कशॉप पर उनके कर्मचारी हैं वो तो समझ लो पहलवान रख रखे हैं उन्होंने, आपस में भी बात कर रहे हैं ना तो वो इतनी गाली दे देकर बात कर रहे हैं आपस में कि सामने वाला तो इधर जा रहा है कि इनसे कुछ कहते हम गाली लपकने लगे। ऊपर काउंटर पर बैठा सबसे खतरनाक है, हकला के बुक डाउन किए हैं, सबसे खतरनाक दो आदमी है भाई साहब, वो तो झूठ गए बताओ जी क्या है, रोज उसी स्कूटी को ठीक कराते हैं हम और कम ना भाई साहब, मतलब काटने को भागे हैं। यूँ कह भाई तुमने फिल्म में ली हमसे, मतलब यूँ कह रहा था मैं, यूँ कह दादा तुम हमें फिल्म पैसे गए, हमने तुम्हें स्कूटी नहीं जान को रही बताओ भाई साहब, फिल्म कहा जाते हैं यार क्या तो भाई साहब, मैं हाथ जोड़ यही विनती करूँगा मेरी जनता से अपील, स्कूटी लेने से पहले जिसके पास कोई पुरानी स्कूटी किसी ने खरीद रखी हो उसके दिल का हाल जान लें, तो आप ये स्कूटी लोगे ना, लिख के दे रहा हूँ लोगे नहीं, यूँ कह दोगे भैया और ले लो इसे मत। भैया इसी कंपनी में कमी आई है केवल, वरना मैंने बजाज के वाहन चलाए हैं, TVS की स्कूटी थी मुझे जुपिटर। भाई साहब यदि सर्विस सेंटर में सुनी नहीं जाती है तो भाई साहब, यदि तुमने ऑफिस में जाके नवीन भाई साहब उनका दरवाज़ा भी खटखटा दिया ना मालिक का, बाहर आके खड़ा हो जाता और काना बैठ देता, मतलब वाकई में ऐसे करके पकड़ के मिस्त्री का कान घुमा देता है क्या कर रहा है। तो फिर आपने उसी कंपनी की क्यों नहीं ली, ऐसा क्या भाई साहब? बस लेनी पड़ी
इसकी देख के सुंदरता पर मोहित हो गए हम। ये देखने में सड़क पर अच्छी चीज लग रही चलने में। मैंने कभी इस बार इसे लिया हुआ भाई साहब ला के, हम तो भाई साहब फान पकड़ लिए, इसका वाहन ना खरीदें। तो हम वही रोड पर भी मौजूद है, एक सुजुकी एक्टिवा मेरे सामने नजर आ रही है। तो सुजुकी वाले एक्टिवा वाला को बुला हुआ, भैया इधर आइए, मैं इसे भी जानना चाहूँगा कि यह इन्हीं की एक्टिवा में कमी है और भी सारी चीज़ों को मैं उसमें जानता हूँ। हाँ, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि सेल्फ की दिक्कत है, मारनी ही पड़ती है सुबह में। सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्टार्टिंग सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे अलावा इसमें रेसिंग की दिक्कत है, अगर जो नॉर्मल में बिल्कुल रखते हैं तो पीछे बाइक की स्पीड तो फिर भी चलती है इसकी। तो फिर आपने क्यों नहीं ठाना कि आपके अच्छा है, आपने ठाना आपके ऐसा हर किसी पर टाइम की समय की बात होती है, और भी काम करने हैं, हर कोई जो है इस तरीके से परेशान नहीं हो सकता। तो आपने कंपनी वाले को भी परेशान हो रहे हैं, अब सामने वाले को परेशान करने के लिए पहले तो खुद ही हमें टाइम चाहिए था। तो कंपनी वालों को अवगत कराया आपने? कंपनी वालों को अवगत कराया है। आपसे क्या कहते हैं कंपनी वाले? स्टाफ की कमी है वहाँ पे, स्टाफ सही जवाब नहीं दे पाता, और घुमाने वाला काम है कि अब आ जाओ या दो दिन बाद आ जाओ, चार दिन बाद आ जाओ, हम पे इतना टाइम नहीं है वहाँ जाकर। और उसकी मजबूरी है कि हम फिर प्राइवेट में जाके अपनी कराएं, क्योंकि हमारी गारंटी करी है। इसमें काफ़ी कमी होने के बाद इस वजह से हमें टाइमिंग पड़ी और हमारी कंपनी में भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ पर एक कर्मचारी हैं जो भी ओनर हैं वर्कशॉप पर, वो बैठते हैं, वो यही कहते हैं इनसे बार बार कि आपने कोई कंपनी नहीं खरीदी है या आपने कोई एक्टिवा दी है हमने तो आपने पैसे दिए हैं, बार बार सर्विस हम नहीं करेंगे। देखने वाली बात यह हुई कितनी कार्रवाई होती है। इसी के चलते मेरा खान भारत रफ्तार न्यूज़। सैलाब ब्यूटी जॉइंट, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, कैरेटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5,000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।